गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिंकी फैमिली। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आप बताइएगा कैसे। मैं अच्छी हूँ। तो चलिए गाइज, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं मॉर्निंग से ही। तो गाइज अभी बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं। तो आज 7:30 बजे से अपना जो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और सीधा अपने आज मैं मशीन लगा दी है गाइज मैंने। तो गाइज आज डेट है 16 सितंबर, और दिन है गाइज शुक्रवार का। तो बच्चे गाइज आज स्कूल नहीं गए, तो इसलिए मैंने मशीन लगा ली है। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गाइज बारिश भी हो रही है। तो बस तीनों बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए, क्योंकि बारिश इतना तेज़ हो रही थी 7:30 बजे, मतलब बिल्कुल नहीं रुक रही थी बारिश। अगर बच्चों को छोड़ के भी आ जाते हस्बैंड कार से, तो फिर मैंने ना इग्नोर कर दिया, क्योंकि मानसी को थोड़ा सा जुकाम वगैरह भी था। मैंने चलो छोड़ो पढ़ाई, तो मतलब इतना नहीं थी, फिर जल्दी छुट्टी, मतलब उसका फीस डे था तो जल्दी छुट्टी हो जाती, फिर इसलिए थोड़ा सा मैंने ना मतलब कम गोरी कर दी। तो चलिए कोई नहीं, फिर भी मैंने कपड़े अपने लगा दिए हैं, और बच्चों की दोनों मतलब हाउस ड्रेस वगैरह हो जाती ना बच्चों की। तो मतलब बच्चे ना वेडनेसडे और थर्सडे को हाउस ड्रेस पहन के जाते हैं, तो फिर वो भी उनकी ड्रेस हो गई थी, और ब्राउन ड्रेस तो उनकी रहती है। तो बस मैंने कि चली, और गाइस 3 दिन के कपड़े हो गए थे। जो छोटे छोटे कपड़े थे ना, वो तो मैंने वॉश कर दिए थे हाथ से, बट रेलिंग पे जो बरामदे के अंदर की रेलिंग है ना, उस पर डाल पाती हूँ, और बाहर डाल देती हूँ ना तो सारे मतलब भीग जाते हैं, क्योंकि बारिश आती है और पछाड़ जैसी आती है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से मैंने जो अपने सोफे अंदर डाले हुए हैं रूम के अंदर, तो बस यहाँ पर गए से, तो यहाँ पर ना मेरे देवर हैं ना, वो सोए हुए थे, तो बस गद्दा तो यहीं बिछने दूंगी मैं। और अब गाइस पता है रजाई निकल गई है बहुत ज़्यादा, अब इसे इतनी ठंड होगी तो आगे को पता नहीं क्या हाल होगा। तो माँ ही उठ चुकी है, और बस यहाँ पर रेलिंग पे मैं कपड़ा मतलब कर दूंगी। थोड़ी सी हल्का हल्की बूंदाबांदी है, तो बस मैं भी बाहर डाल दूँगी थोड़े से बड़े कपड़े जो हैं, और अभी छोटे छोटे जो बच्चों की ड्रेस है, और मैंने फ़ैन कर दिया है ऑन। और गाइस आज क्लीन करूँगी पहले, बाद में पहले मैं कपड़े वॉश करूँगी, क्योंकि मैं देखिए धीरे धीरे ही करती हूँ सारा अपना काम, मुझसे एक साथ नहीं होता है। तो बस, और मेरी भाभी आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है पता, तो मेरे भाई लेकर के आ गए हैं, और आपको हाय बोल रही हैं। एकदम घर ना भरा भरा लगता जब अपने साथ होते हैं ना। तो गाँव चली गई थी, तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरा भतीजा है ना बहुत मतलब शरारत करता है। तो बस मैंने कपड़े गाइस यहाँ पर जो है अपना कर दिए, फैला दिए, तो थोड़ी बच्चों के साथ भी फुल मस्ती कर लेती हूँ। तो मानसी भी यहाँ पर उठ गई हैं। तो हम लोग ना रात में मतलब बर्थडे में गए थे, तो वो क्लिप मतलब वो मैंने एडिट नहीं किया है, वो भी मैं फिर शेयर करूँगी, वो वीडियो छोटा सा वीडियो है। तो बट अभी यह है कि अब मैं जो अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो आज बच्चे बोले कि मम्मी आज अभी नाश्ता मत बनाइए, तो नाश्ता भी कुछ नहीं है, तो सिर्फ बच्चों को ना चाय लस्सी जो भी खाएंगे, बस वो कुछ मना कर रहे हैं कुछ नहीं। तो मैंने कि चलो कोई नहीं, आज मैं अपना डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, और मतलब क्लीन वगैरह सारा सब कुछ कर लेती हूँ, और थोड़ा बच्चे भी हेल्प कराते रहेंगे मेरे साथ में। तो यहाँ पर मैंने कपड़े वॉश कर लिए, तो मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में गाइस। तो चलिए थोड़ी सी आज डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो हमारा फ़ैन चलता है, तो पता नहीं चलता कितना हम साफ़ कर लेते हैं ना, तो फ़ैन के ऊपर ना धूल मिट्टी हो जाती है बहुत, तो बस मैं उसको झाड़ू से साफ़ कर लूँगी। और देखिए कमर में भी दर्द होने लग गया है मेरा, देख सकते हैं आप, क्योंकि जितनी ज़्यादा कपड़े धुलती हूँ ना गाइस, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरे बॉडी की आधी साइड में ना दर्द होने लगता है। जैसा आपको पता था ना पैरालाइज हुआ था मुझे, तो इसलिए जब से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो बस जाले हो गए, और मैं हंस रही, तो मेरी झाड़ू भी टूट गई है देखिएगा। मेरी मतलब जाले झाड़ी, तो मेरे पास जाले झाड़ने का नहीं है, तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू भी टूट गई है, मैंने कि लो श्राद्ध सर पे है, मतलब चल रहे ऊपर से नई चीज़ नहीं आएगी, तो और काम बढ़ा दिया मैंने। तो मैंने कि चलिए कोई नहीं, फूल झाड़ू है, बट इससे थोड़ा जाले अच्छे से हो जाते हैं। तो ये घर घर के मतलब रूम के कोने कोने में सब जगह देख देख के मैं कर रही थी, मैंने कि चलो आज पहले यही काम करते हैं, फिर इतना टाइम नहीं मिलता, मैंने कि चलो बच्चे घर में हैं तो बस इतना मतलब भाग दौड़ नहीं रही कि हाँ खाना जल्दी बनाना है, ये करना है, बच्चों को स्कूल से लाना है। तो बस भैया ना अभी कुछ पेन वगैरह ले रहे थे बच्चों के मतलब बैग में से, तो बस ये चादर तो मैंने पहले ही बदल दी थी, मतलब अभी नहीं 2-3 दिन पहले, इतनी गंदी नहीं हुई है वो। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, और चैनल को प्लीज़
लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। और देखिए लाइक बिल्कुल नहीं करते, प्लीज़ लाइक से क्या होता है, फ्री लाइक है, सब्सक्राइब भी लाइक है, मतलब सब चीज़ मतलब फ्री होती है गाइस। तो प्लीज़ कंजूसी मत कीजिएगा, देखिए सपोर्ट कीजिएगा। और चैनल पर आते हैं चले जाते हैं, तो देखिए आप बताइएगा, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है तो ये वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी। और देखिए मेरे रूम में गाइस कितना मतलब सिला भी आ गया है, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है, रेंट पे भी रहना मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मन कर रहा है कि यहाँ से मतलब चेंज कर दूँ रूम को, बट थोड़ा सा ना यहाँ पर अच्छा लगता है मुझे, तो देखते हैं क्या करते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये यहीं पर रेंट पे ना मेरी सिस्टर हैं अंजलि, यहीं पर रहती हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो अच्छा भी लगता है ऐसे। तो फिर भी मैंने इनको वीडियो में ले लिया, मैंने चलो कोई नहीं, जब उनको कोई एतराज़ नहीं है। बहुत से लोगों को मतलब नहीं अच्छा लगता है, बहुत लोग नहीं आते हैं वीडियो में, और पता गाइस तो वो अभी चली गई हैं, तो चलिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए दूसरों के लिए, पता नहीं कैसे टाइम निकाल के हमारे पास बैठने आते हैं। तो बस रुक गई थी मैं क्लीन करने से, तो लग गई फिर अपना क्लीन करने में बस, और जीतू भी उठ गया यहाँ पे। तो बच्चों को वैसे मैंने चाय वगैरह दे दी थी, जो भी बच्चों ने खाया उनको मैंने दे दिया था, तो बस मैं अपना लग गई हूँ क्लीन वगैरह में। और बस हमें यही गई छोटी छोटी आदतें होती हैं कि बस हम कहीं हमारा घर गंदा ना रह जाए, तभी तो देखिए कितना अच्छा चमक जाता है ना, और नहीं करते तो फिर गंदा मुझे बहुत लगता है घर। वैसे मुझे क्या, मेरी सारी हाउस वाइफ जितनी मेरी सिस्टर है ना, सबको ही गंदा लगता है ना, तो बस गाइस पूरा दिन इसी में निकल जाता है मेरा। और पल्लू के लिए कोई कमेंट आया था ना मैंने, कि चलो छोड़ो जिससे जो होगा वो कर लो, नहीं निकालती हूँ पल्लू में मेरी फैमिली, जब मेरी फैमिली मुझे कुछ नहीं बोलती तो वो लोग कौन होते कहने वाले। अब हम ब्लॉगिंग करेंगे थोड़ा ना 24 घंटे गाइस, हम मुँह ढक के रहेंगे, पल्लू ढक के रहेंगे, एक टाइम ऐसा होता है कि हम पल्लू नहीं रख सकते हैं, तो नहीं रखा है गाइज़ मैंने। अब आप बोलोगे रिंकी बड़ी संस्कारी हो रही थी, तो देखिए मुझे गुस्सा आया, मतलब वो कमेंट मैं दिखा नहीं सकती हूँ, तो जैसे मैं हूँ मैं वैसे ही अपनी ब्लॉगिंग करूँगी, जिससे जो होगा वो कर ले, मुझे पल्लू वगैरह नहीं निकालना है। तो मेरी फैमिली तो फैमिली के साथ में थोड़े ना मुँह ढक के आऊँगी मैं, तो बस ये अपना झाड़ू मैंने कर ली गाइज़ क्लीन वगैरह, मतलब लग रही हूँ, और मैंने झाड़ू निकाल लिए सारे में, और अपने हस्बैंड के रूम में भी और बच्चों के रूम को भी मैंने अच्छे से आज डीप क्लीन वगैरह कर ली है। और गाइस पता एडिटिंग में रात को 12 एक बजे करती हूँ, और अभी भी मैं इतने बजे ही कर रही हूँ, और दिन में आपको पता ट्रैफिक बहुत चलता है, इस वजह से मुझे एडिटिंग करना नहीं मिलता है। और गाइस पता मेरी वीडियो क्यों नहीं गई, मेरी आँख में ना जो अंजन न्यारी होती है ना, आप क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर, वो निकली हुई है, इस वजह से मेरे मुझको ना फ़ोन देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और मतलब आँख में ना बहुत ज़्यादा पानी चल रहा है, और किसी के वीडियो में देख भी नहीं पा रही हूँ, इस वजह से आई एम सॉरी गाइज। मैं ज़रूर आपकी वीडियो पे सबके ज़रूर आऊँगी, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा, और प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, आप सभी की मुझे गाइज सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तो चलिए गाइज फैमिली से अपनी थोड़ी सी अपनी मन की बात कह लेती हूँ, और मन का बोझ हल्का हो जाता है मेरा। तो मेरी एक सिस्टर बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा रोबोट की तरह काम करती हैं, तो सिस्टर क्या करे, करना पड़ता है, 3 बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज 7:30 बजे से उठी हुई हूँ गाइज, तो बस चलिए क्लीन वगैरह कर लिया है, कपड़े वॉश हो गए, आ गई हूँ मैं यहाँ पर नहा करके। तो अभी जीतू भी देखिए फुल मस्ती कर रहा है, तो थोड़ी सी शांति हुई है अभी, मतलब घर में अगर काम पड़ा रहता है तो मुझे उससे ज़्यादा मैं बीमार हो जाती हूँ। तो बस अभी थोड़ा मुझे खाने में क्या बनाना है, और थक भी काफ़ी गई हूँ, मन नहीं है गाइस कुछ करने का, बस सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, रोज़ की ये टेंशन हो जाती है। तो देखिए अभी बूंदाबांदी हो रही है, मैं देख रही हूँ कपड़े बाहर डालूँ ना डालूँ, फिर भी बाहर डाल दूँगी, छत पे तो डालूँगी नहीं कपड़े। तो चलिए किचन में आ गई हूँ, बस थोड़ी सी आज बना रही हूँ खाने में, और मुझे बज गए गाइस 10:10 मतलब 12 मिनट हो गई थी जब उस टाइम पर मैंने टाइम देखा था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुलाव, तो बस मतलब कुछ नहीं बनाऊँगी, और मतलब भिंडी की सब्ज़ी भी रखी हुई थी रात की, और रोटी भी पड़ी हुई थी, मैंने क्या वेस्ट करना, तो मैं उनको भी कर देती हूँ यूज़फुल। तो बस अभी बस किसी ने खाना वगैरह नहीं खाया था, फिर भी मैंने 10 बजे अपना पूरा काम, ये है 7:30 बजे से लगी थी गई इसमें, और 10 बजे तक मैंने पूरा फिनिश कर दिया है काम अपना, बच्चे भी नहा लिए थे, सब कुछ मतलब घर में कम्प्लीट कर दिया मैंने काम अपना। तो गईस ज़रूर बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज़, और बार बार बोलती हूँ सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर ना माँ ही मुझे बहुत परेशान करती है, बार बार आती है, पता नहीं क्या करती रहती है।
तो बस वही अपना जीरे से, हींग से तड़का लगा दूंगी और लाल मिर्च से, और जो अपना डेली यूज़ के रोज़मर्रा के मसाले होते हैं वही मैंने डाल दिए हैं। तो बस अपना सीटी मैंने बंद कर दी है, और जो मेरे बर्तन थे ना बच्चों ने चाय वगैरह पी थी, बस वो वॉश कर दूंगी। तो देखिए घर छोटी छोटी अगर हम मतलब सफाई करते रहें तो घर भी ना सुंदर बना रहता है, और इतना ज़्यादा काम भी नहीं फैलता है हमारे साथ में, फिर ये दिक्कत होती है। तो चलेगा, इस वीडियो का एंड करती हूँ, अगले अच्छे ब्लॉग के साथ मिलूंगी। बाय बाय।